हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नो ब्रेन्स एंड दिस इज योर होस्ट पैर्स। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइल स्टैक के बारे में। सो गाइस, फाइल स्टैक है क्या? जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, फाइल स्टैक, राइट? तो आप अपने क्लाउड के ऊपर फाइल स्टैक मैनेज कर सकते हो, ये आपको क्लाउड सर्विसेज देता है। बट इन द मीन टाइम इसका जो AI फ्यूचर है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, AI सब बोले जा रहे हैं, तो इन्होंने भी एक AI क्लाउड सर्विसेज लॉन्च करी है। इसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो गाइस, फाइल स्टैक आपको एक क्लाउड स्पेस देता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स मैनेज कर सकते हो, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक वेल क्राफ्टेड यूजर इंटरफेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। फाइल स्टैक आपको एक क्लाउड स्टोरेज देता है, क्लाउड स्पेस देता है जहाँ पे आप अपनी फाइल्स को इजीली मैनेज कर पाओगे। बट इन द मीन टाइम यहाँ पे आपको एक क्लीन यूजर इंटरफेस मिल जाता है, जैसे कि इनके अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, फाइल पिकर एंड ट्रांसफॉर्मेशन UI। जैसा उनका UI क्लीन है, वैसे ही फाइल स्टैक का UI एकदम आपको क्लीन मिल जाता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की फाइल्स मैनेज कर पाओगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, या कोई वेब ऐप है, या कोई मोबाइल ऐप है, या फिर कोई आपने डेस्कटॉप एनवायरमेंट क्रिएट कर रखा है क्लाउड के ऊपर, तो आप फाइल स्टैक से उसको इजीली मैनेज कर पाओगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका इनिशियल जो सेटअप है, वो सोचते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, या कोई कोड लिखना पड़ेगा, या फिर कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टॉल स्टेप बाय स्टेप सेटअप करनी होंगी। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक अमेजिंग चीज़ बताता हूँ, ये आपको सिर्फ API के थ्रू सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं। ये आपको API देते हैं जो आपको इंटीग्रेट करना होता है अपने कोड के अंदर, एंड येस, यू आर रेडी टू सेट अप योर क्लाउड स्टोरेज विथ फाइल स्टैक। सो गाइस, जब हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं ना, तो हमें मैनेज करने में तो दिक्कत आती है फाइल्स में, बट इसका जो AI है, येस, इमेज रिकॉग्नाइजेशन इंटेलिजेंस है इसका, वो बहुत ही अच्छा है। मैं उसके आपको कुछ फंक्शंस दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे, तो आपको पता लग जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन लर्निंग मेड सिंपल। तो जैसे ही कोई इमेज आप अपलोड करते हो, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन खुद डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ई कॉमर्स ऐप है जो फाइल स्टैक पे या क्लाउड पे अपलोडेड है। अब आपको इमेजेस अपलोड करनी है। अब आपने एक प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करी और एक एनिमेशन इमेज अपलोड करी जो आपकी ऑफर की बनी हुई है। तो इसका इंटेलिजेंस इतना अच्छा है कि आइडेंटिफाई कर लेगा कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ फॉर एग्जांपल उसकी वेट, उसकी हाइट, राइट, जो भी है, और उसका एक्सटेंशन, ये खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा। और जो आपने एनिमेशन की अपलोड करी है, तो उसमें भी ये डिटेक्ट कर लेगा कि उसकी साइज, विड्थ वगैरह इसके अंदर क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और प्लस कैटेगराइज कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो प्रोडक्ट के ऊपर ये अपने आप एक टैग ऐड कर देगा कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है और ये ऑफर्स की कैटेगरी में आता है, जो एनिमेशन है जो आप ऑफर दिखाना चाहते हो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो ये कैटेगरी डिफाइन कर देता है, एंड दैट टू वेरी सिंपल, राइट, जो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इवन, राइट? तो उसका AI स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैट है, तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कैट यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर दिया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट है जो इनके फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दिख रहा है, ठीक है, कोई एनिमल है तो एनिमल दिख रहा है, एनिमेशन, कुछ ऑफर लिखा हुआ है ऊपर, 50% ऑफ, 60% ऑफ, ठीक है, तो उस तरीके से आपको दिख जाएगा। सो नेक्स्ट आता है इसका एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट डिटेक्शन। अब एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट डिटेक्शन क्या है कि आप कुछ गलत फाइल्स अपलोड नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी फाइल्स अपलोड नहीं कर रहे हो जो क्लाउड को हार्म करे या फिर किसी और को देखने पर हार्म करे, राइट? मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो गाइस, नेक्स्ट इसका आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो मैंने आपको बताया, राइट? इसके अंदर बाकी नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो गाइस, ये डिटेक्ट भी कर सकता है अगर आपने कोई इमेज अपलोड करी है और उस पर आपने राइटिंग लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि हाँ, वो हैंड रिटन है, राइट? और नीचे है कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ इमेजेस अपलोड करी हुई है क्लाउड पे, ठीक है, और अगर कोई बंदा मेरी इमेजेस डाउनलोड करके यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो तो गलत बात है ना, वो तो मेरा कॉपीराइट है, मैंने इमेज क्रिएट करवाई है। तो अगर आप किसी की कॉपीराइट इमेज अपलोड भी कर रहे हो ना, तो ये डिटेक्ट कर लेता है, और अगर कोई और कर रहा है, तो हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ भाई, ये बंदा आपकी कॉपीराइट इमेज अपलोड कर रहा है। और नेक्स्ट आ जाता है वीडियो इंटेलिजेंस। अब वीडियो इंटेलिजेंस, जैसे कि यूट्यूब ने अपना बढ़ाया है, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्टैम्प्स हो गए हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक, कुछ अपने आप यहाँ पे दिखा देता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको SEO ओरिएंटेड बनाने में हमारी हेल्प करता है।
तो समझ रहे हो इसका एआई कितना एडवांस्ड है, वो भी क्लाउड सर्विसेज का। सो गाइस बात करें फाइल स्टैक की सिक्योरिटी की, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या फिर कोई भी अपनी फाइल्स अपलोड करते हैं या कोई स्पेस लेते हैं, तो हमें डर होता है कि वो लीक ना हो जाए या कोई स्कैम ना हो जाए, कोई हैकर आके हमारे फाइल्स को चुरा ना ले, ठीक है। तो फाइल स्टैक के अंदर क्या सिक्योरिटी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज की बात करेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है ओवरव्यू पूरा, ठीक है, जिसमें कि आपकी अकाउंट सेटिंग ऑथेंटिकेट की जाएगी पूरा, मतलब पासवर्ड आपकी मेल पे जाएगा, जब तक आप पासवर्ड वहाँ पे ऐड नहीं करोगे आपका लॉगिन नहीं होगा, राइट। जो आपके एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर्क्स हियर। और हम बात करें इसकी इनकी पॉलिसीज एंड सिग्नेचर्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द पॉलिसी अलाउ एनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट वन टू गेट EXIF डेटा। तो यहाँ पे आप देख रखे हैं यहाँ पे सिग्नेचर है, और पॉलिसी स्ट्रक्चर जो इनका है वो ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, अ पॉलिसी मस्ट कंटेन एन एक्सपायरी बट कैन एक्सक्लूड ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। तो जो इनका इनकी सिग्नेचर पॉलिसी है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ताकि हर एक कॉन्टेंट को रिकोगनाइज कर पाए कि ये किसका कॉन्टेंट है, ऑल राइट। और नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द पॉलिसी ओनली अलाउज अपलोडिंग एंड सेविंग टू कस्टम स्टोरेज, ठीक है। ये देखिए एक्सपायरी और यहाँ पर इन्होंने कॉल दे रखा है पिक एंड स्टोर, ऑल राइट। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो ये आप पढ़ सकते हैं, ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है आपकी हेल्प करने के लिए पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी में कैसे इनका किया जाता है। तो ये सारी सिक्योरिटी थी गाइस बैकएंड से, यानी कि जो भी आप बैकएंड से पोर्ट करोगे उस तरीके से। बट जो मैंने अभी पहले आपको बताया था इसकी सिक्योरिटी क्या है, एक तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में अभी मैंने बात करी है। कॉपीराइट, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है, जब भी आप अपनी फाइल्स को अपलोड करते हो या फिर सेफ स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिक्टली कॉपीराइटेड फीचर है फाइल स्टैक का। साथ ही साथ वीडियो इंटेलिजेंस तो है ही है, ठीक है। अगर वीडियो के अंदर कुछ वल्गर होता है या कोई भी अलग चीज़ होती है तो इसका इंटेलिजेंस पता लगा लेगा विंडो के अंदर कि भाई ये चीज़ गलत है, तो वो आप वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं फाइल स्टैक के। इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया कि फाइल स्टैक है क्या और ये कैसे काम करता है, और इसका जो AI है इमेज रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है वो आपको मैंने बता ही दिया है। साथ ही साथ इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी मैंने आपको बता दिया है कि ये सिक्योर्ड कैसे करता है आपके क्लाउड स्टोरेज को, आपकी फाइल्स जो भी आप अपलोड करते हो। सो अगर फाइल स्टैक के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, फाइल स्टैक वाले आपको खुद रिप्लाई भी करेंगे, प्लस मैं भी आपसे एंगेज करूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है फाइल स्टैक के बारे में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, टिल देन स्किल अप योरसेल्फ विद टेक्नोब्रेन।